ये फिल्म एक ऐसे चर्च की कहानी है जहाँ की सभी नन हवस की पुजारी होती हैं। वे चर्च के अंदर काम करने के लिए जवान और गूंगे बहरे लड़के को नौकरी पर रखती हैं और उसके साथ भरपूर अय्याशी करती हैं। गूंगे बहरे होने के कारण वे लड़के बाहर जाकर किसी को कुछ बता भी नहीं सकते, मगर ये कहानी दो ऐसे प्यार करने वालों की भी है जो चर्च में मिलते हैं और कैसे उनका प्यार अंत में मिल पाता है। कहानी बहुत ही मजेदार और रोमांस भरी है। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग का काम कर रहा था। वह यहाँ कई दिनों से काम कर रहा था लेकिन उसे अपने काम के पैसे नहीं मिल रहे थे। जब वह फादर के पास पैसे मांगने जाता है तो पता चलता है कि फादर की प्लेग से मौत हो गई है। वह बहुत निराश होता है क्योंकि अब उसके काम के पैसे उसे नहीं मिलने वाले थे। तभी उसे फादर की ड्रेस दिखाई देती है। वह डिसाइड करता है कि वह फादर की जगह ले लेगा और वह उस ड्रेस को पहन लेता है। इसके बाद हम लोरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्बिनो नाम के आदमी से बचकर भाग रहा था। किसी तरह वह उसे बचकर भाग जाता है। जर्बिनो अपने आदमियों से कहता है कि वह उसे पकड़कर ले आए। लोरेन जब अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि जर्बिनो से बचने के लिए उसे ये शहर छोड़कर जाना होगा। लोरेन अपने दोस्तों की बात मान लेता है। इसके बाद हम पिम्पिनिया नाम की राजकुमारी को देखते हैं। उसके माँ पापा की प्लेग से मौत हो गई थी जिसकी वजह से वह काफी दुखी थी। तभी जर्बिनो वहाँ आ जाता है और उसे पूछता है कि वह अब क्या करेगी। इस पर पिम्पिनिया कहती है उसने रशिया के राजकुमार जर्जेसी से वादा किया है, वह उसी से शादी करेगी। तब जर्बिनो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत ज्यादा पैसे उधार लिए थे, इसीलिए उनकी सारी जायदाद मेरी हो गई है, सिर्फ ये महल ही बचा है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब हम लोरेन को देखते हैं जिसके पीछे जर्बिनो के आदमी पड़े होते हैं। रास्ते में लोरेन को एक आदमी मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा होता है। लोरेन उस आदमी से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि ये एक गूंगा बहरा आदमी था जो पास के चर्च में मालिका काम करता था। आज प्लेग की वजह से अचानक उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर लोरेन को आइडिया आता है कि क्यों ना वह गूंगा बहरा बनकर चर्च में रहे, जिससे वह जर्बिनो के आदमियों से बच सकता है। इसके बाद वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जर्बिनो के आदमी उसका पीछा करते हुए आगे निकल जाते हैं। जब लोरेन पेड़ से उतरने लगता है तो पेड़ की टहनी टूट जाती है जिसकी वजह से लोरेन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ नन उसे बेहोश देखती हैं तो उसे उठाकर चर्च में ले जाती हैं। वह नन उसकी बॉडी को गंदे तरीके से टच करने लगती हैं। लोरेन को होश आ चुका था लेकिन वह बेहोश होने का नाटक करता है। तभी वहाँ हेड नन आ जाती है। वह नन उसे बताती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। ये सुनकर हेड नन बहुत खुश हो जाती हैं। उन्हें एक गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए था जो चर्च का काम कर सके। वो लोरेन को काम पर रख लेती हैं। लोरेन को छुपने की जगह चाहिए थी और उसे वह मिल गई थी। इस तरह दोनों का काम बन जाता है। एक बार जब लोरेन नहा रहा होता है तो दो नन उसके पास आ जाती हैं और अपने कपड़े उतार कर उसके साथ ही नहाने लगती हैं। असल में नन इसलिए गूंगे बहरे को काम पर रखना चाहती थी क्योंकि वह बाहर जाकर उनके बारे में किसी को बता ना सके। अब हम पिम्पिनिया को देखते हैं जो जर्बिनो से पीछा छुड़ाने के लिए उसी चर्च में कुछ दिनों के लिए रहने आती है। नन जब पिम्पिनिया को नन के कपड़े पहना रही होती है तो वह लोरेन को देखती है। वह नन से पूछती है कि वह कौन है। नन बताती है कि वह यहाँ का माली है जो चर्च की देखभाल करता है। वह बेचारा गूंगा बहरा है। एक बार जंगल की तरफ जब लोरेन काम कर रहा था तो एक नन उसे पकड़कर झाड़ियों में ले जाती है। वह उसके साथ वहां पर इंटीमेट होती है। इसके बाद हम रशिया के राजकुमार जर्जेस्की को देखते हैं जो महल में पिम्पिनिया से मिलने आता है। जर्बिनो उसे बताता है कि पिम्पिनिया उससे शादी करने वाली है। जब राजकुमार वापस जा रहा होता है एक आदमी जर्जेसी को बताता है कि पिम्पिनिया दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। इधर हम लोरेन को देखते हैं जहां दो नन उसके पास आती हैं क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि बाकी की नन उसके साथ मजे करती हैं। वह भी लोरेन से वही कुछ करने के लिए कहती हैं। लोरेन भी उनकी इच्छा पूरी करता है। एक दिन लोरेन अपना काम करते हुए गाना गा रहा होता है तब पिम्पिनिया उसे देख लेती है। वह समझ जाती है कि लोरेन गूंगा बहरा नहीं है, असल में पिम्पिनिया को लोरेन से प्यार हो गया था। एक दिन जब लोरेन अकेला होता है तो वह उसके पास जाती है। पिम्पिनिया उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। वह उसे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उससे शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद अपना नकाब उठाकर उसे किस करती है और वहां से चली जाती है। आंख पर पट्टी की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाता। कुछ दिनों बाद पिम्पिनिया के जाने का समय आ जाता है। जाने से पहले वह हेडनन को बता देती है कि लोरेन गूंगा बहरा नहीं है।
वह नाटक कर रहा है। असल में पिम्पिनिया अब लोरेन को किसी के साथ नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद हेड नन उसे चर्च से बाहर निकाल देती है। बाहर उसे पिम्पिनिया मिलती है। वह उसे कहता है कि वह भी उसे अपने साथ ले चले। पिम्पिनिया भी यही चाहती थी। वह उसे अपने साथ ले जाती है। इधर रशिया का राजकुमार पिम्पिनिया को खोज रहा होता है। जंगल में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह उससे बातें करने लगता है। वह उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पिम्पिनिया को जानती हो। वह उसे अपना परिचय भी दे देता है। वह लड़की कहती है कि मैं ही पिम्पिनिया हूँ। जर्जेस्की भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसने पहले कभी भी पिम्पिनिया को नहीं देखा होता। पिम्पिनिया लोरेन को अपने महल में ले जाती है। बातों बातों में लोरेन बताता है कि चर्च में काम के दौरान उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। उसने उसे उसकी आंख बंद करके किस किया था। ये सुनकर पिम्पिनिया समझ जाती है कि लोरेन भी उससे प्यार करता है। पिम्पिनिया उससे पूछती है कि तुम उसे पहचानोगे कैसे। लोरेन कहता है कि वह कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। पिम्पिनिया उसे बताने ही वाली होती है कि तभी जर्बिनो वहां आ जाता है। वह लोरेन को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे लड़ाई के लिए ललकारता है। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है लेकिन लोरेन कमजोर पड़ जाता है। जर्बिनो लोरेन को मारने ही वाला होता है कि पिम्पिनिया उसे रोक देती है। वह उसे कहती है कि अगर लोरेन को कुछ हुआ तो वह उसे कभी भी शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो उसे ना मारते हुए कैद खाने में डाल देता है। अगले दिन पिम्पिनिया कहती है कि वह उससे कल शादी करेगी। उसे पहले वे लोरेन को छोड़ दे। इसके बाद जर्बिनो फादर को बुलाता है। ये वही पेंटर होता है जो फादर के मरने पर नकली फादर बन गया होता है। पिम्पिनिया फादर को पैसे देकर कहती है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। इधर जर्बिनो के आदमी लोरेन को जंगल में छोड़ने जाते हैं। उनका प्लान लोरेन को मारना होता है लेकिन लोरेन उनको मारकर भाग जाता है। वह जब महल जाता है तो देखता है कि जर्बिनो पिम्पिनिया से जबरदस्ती शादी कर रहा है। तभी वहां जर्जेस्की भी आ जाता है। उसके हाथ में गन थी जिसकी वजह से जर्बिनो भागने लगता है। जर्जेस्की जर्बिनो और उसके आदमियों को मार देता है। जब वह पिम्पिनिया के पास अपने प्यार का इजहार करने के लिए आता है तो पिम्पिनिया उसे कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती। ये कहकर वह अपना निकाब उठा देती है। उसे देखकर जर्जेस्की कहता है कि तुम मेरी पिम्पिनिया नहीं हो। तभी पीछे एक लड़की आती है जो पिम्पिनिया के सहेली मलिशा होती है। जर्जेस्की कहता है कि मेरी पिम्पिनिया तो ये है और मैं इसी से शादी करूंगा। इसके बाद पिम्पिनिया लोरेन को प्रपोज करती है लेकिन लोरेन कहता है कि वह चर्च वाली लड़की से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। इस पर पिम्पिनिया उसे एक किस करने के लिए कहती है। किस करने पर लोरेन को पता चल जाता है कि पिम्पिनिया ही वह लड़की है जिसने उसे चर्च में किस किया था। दोनों की शादी वही नकली फादर कराता है। इस तरह ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और प्यार करने वालों का मिलन हो जाता है। दोस्तों ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखकर मजा आया हो तो एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।